अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मज़ीद वीडियोस के लिए पख्तूनख्वा चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने कहा है कि अब भी कहता हूँ कि नवाज शरीफ 100% फिर जेल जाएंगे। हेल मेटल केस में हकाइक यही बताते हैं, रोज़ आंसू बहाना NRO मांगने की कोशिश के सिवा कुछ भी नहीं। इनके रवैयों से भी नज़र आ रहा है कि ये लोग NRO मांग रहे हैं। नवाज़ शरीफ से सवाल ना पूछे जाए तो मुल्क में हर चीज़ ठीक हो जाएगी। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चंद दिनों में आसिफ जरदारी के मुस्तकबिल का पता चल जाएगा। हुकूमत किसी के ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही। जाली बैंक अकाउंट्स में रकम हमने तो नहीं डलवाई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बेहतरीन लीडर हैं जो मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशां हैं। माजी में सिविल हुकूमत और फ़ौज एक सफ़े पर नहीं थी, लेकिन आज सिविल हुकूमत और फ़ौज एक ही सफ़े पर हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर्ज़ नहीं बल्कि बेल आउट